हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज हम जानेंगे कहानी के गद्य और संवेदना के बारे में। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कहानी के गद्य और संवेदना पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देखें तो छंद मुक्त या छंदहीन भाषा गद्य की श्रेणी में आती है और गद्य की सूत्रबद्धता ही उसके रूपों को प्रायः निबंध का रूप प्रदान करती है, क्योंकि वास्तव में निबंधन सूत्रबद्धता का ही एक पर्याय है। कहानी के गद्य का निबंधन अलग स्वरूप से निर्धारित होता है, जिसके निर्माण का आधार प्रायः अनुभव की जीवंत रचना का तर्क होता है। गद्य के रूप में कहानी के प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक के मध्य एक संसार रचा बसा मिलता है, जिसमें आरंभ से अंत के मध्य ऐसा कुछ घटित होता है जो आरंभिक स्थिति, परिस्थिति तथा मनस्थिति को परिवर्तित करके किसी अन्य रूप में निर्मित कर देता है। कहानी पढ़ने का आशय है कि पाठक कहानी के संसार में बसे हुए लोगों की जिंदगी में साझेदारी करते हुए संवेदना के स्तर पर उनके रिश्तों, तनावों, उनकी खुशियों और दुख को उनकी उपलब्धियों और निराशाओं के साथ साथ उनकी प्रतिबद्धता और उनमें निहित ईर्ष्याओं आदि के साथ स्वयं को जुड़ा अनुभव करता है। कहानी में पाठक या श्रोता को घेरने वाली एक मनस्थिति होती है, जिसे हम अक्सर कहानी का मूड कहते हैं और जिसका अनुभव हम कहानी के रूप में करते हैं। कहानी की संरचना में संवेदना के आधार पर संश्लिष्टता के दो स्तर होते हैं। पहला स्तर कहानी के अंदर विद्यमान प्रथम पृष्ठ से लेकर उसके अंतिम पृष्ठ के बीच रचे बसे संसार के रूप में चित्रित होता है, जो कहानी के पात्रों के जीवन में तो बीत रहा है लेकिन अन्यथा यही स्थिर और विजड़ित होता है। जैसे किसी चित्र में अंकित कोई दृश्य विजड़ित होता है, तथा दूसरा स्तर कथाकार के अपने समय की संवेदना होता है, जो अक्सर कहानी के संसार में कहीं अदृश्य रूप में समाहित होकर भी वह कहीं किसी कहानी स्पष्टतः प्रस्तुत या निरूपित होता है। तो वही यह कार्य व्यापार के रूप में आकर ओझल भी हो जाता है। इसको एक कथाकार प्राप्य भाषिक संरचना में बारीक विश्लेषण द्वारा अनावृत करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना कहानी के गद्य और संवेदना के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कहानी की भाषिक विधियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए, अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।